गुरुग्राम के चिंता पैराडिसो में लोगों ने शुरू की भूख हड़ताल, न्याय के लिए शुरू किया प्रोटेस्ट। 10 फरवरी को एक के बाद एक गिरी थी 6 फ्लोर की छत। गुरुग्राम के राजीव चौक पर बुरका पहनी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, टैक्सी चालक को मारा चाकू, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार। पलवल स्वास्थ्य विभाग ने किया गर्भपात करने वालों का भंडाफोड़, फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित ठाकुर क्लिनिक पर मारा छापा, टीम ने एनटीपी किट बरामद। सोनीपत नगर निगम कार्यालय में की सीएम फ्लैंगिंग छापेमारी, मौके से कई अधिकारी मिले नदारद, अधिकारियों की कार्यशैली पर उठ रहे थे सवाल। घोराचीका में एसडीएम कार्यालय के बाहर छात्राओं का प्रदर्शन, निजी बस संचालकों पर लगाए बसों के आरोप, तहसीलदार को सौंपा जा। रतिया में बदमाशों का आतंक, टीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक पर हथियारों से किया हमला, 2.5 लाख रुपए की बर्दी लेकर फरार। निवाड़वी रविदास जयंती के मौके पर नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से स्पेशल सफाई अभियान चलाया गया, नगर परिषद की टीम साफ सफाई कर लोगों को जागरूक कर रही है। कुंडी में ट्यूबवेल की तारों के चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, मौके पर ट्यूबवेल की तार काटते हुए चोर को गिरफ्तार किया। हरियाणा में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में 751 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 1472 लोग कोरोना से ठीक हुए, 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में भी कोरोना के मामलों में हर रोज कमी देखने को मिल रही है, एक दिन में कोरोना के 27,409 नए मामले सामने आए, 347 कोरोना के मरीजों की मौत हुई।